तो गाइस आज हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र जी की। गाइस जब मैं जितेंद्र जी से मिला था 1997 में, तब वो 55 वर्ष के थे, लेकिन आज वो 81 ईयर के हो चुके हैं। यस 80+, 80 से ऊपर 81 वर्ष के जितेंद्र जी हो चुके हैं, एक्टिव हैं अभी भी। उनकी अफवाहें उड़ती रहती हैं मरने की कभी कभी सोशल मीडिया पर, लेकिन वो पूरे एक्टिव हैं दोस्तों। और आज हम उनकी बात करेंगे, उनके फ्लर्टेशन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत मशहूर उस समय था कि वो अपनी हीरोइनों के साथ फ्लर्ट करते हैं, लेकिन गाइस कैसे करते हैं क्या नहीं करते थे, ये बात जानने के लिए आप बने रहें, अंत तक बने रहे हमारे साथ। सत श्री अकाल, नमस्कार, किद्दां हो दोस्तों? हाँ जी, चढ़दी कला चो, चढ़दी कला में ही रहना आप लोग, तो हमको अच्छा लगता है। चढ़दी कला ही जो होती है वो लाइफ को स्ट्रांग बनाती है। तो चलिए आज हम जितेंद्र जी, उनकी हीरोइन, उनकी लव स्टोरी, उनका फ्लर्ट वगैरह आपके साथ साझा करेंगे। और दोस्तों, मुझे सोशल मीडिया दोस्तों से कुछ अमिताभ बच्चन और रेखा जी और जया भादुरी जी की कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं गाइस, अनदेखी जरूर, वो भी देखना, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 1997 में जितेंद्र जी से मिला था, तब वो 55 वर्ष के थे और सक्रिय थे साउथ की हिंदी फिल्मों में। वैसे करियर ग्राफ तो कम हो रहा था, लेकिन वो तब भी काफ़ी चर्चा में थे। तब मैंने उनसे जो मुलाकात की थी, तब तक गाइस उन्होंने लगभग 226 फिल्में जो है कर ली थी हिंदी की, लेकिन उनको एक भी अवार्ड नहीं मिला था। तो गाइस मेरे आर्टिकल का हेडिंग यही था कि लगभग 300 के करीब हिंदी फिल्में करने वाले स्टार जितेंद्र को अभी तक एक भी नहीं मिला अवार्ड। दोस्तों, इसको डेस्टिनी कहिए, कुछ कहिए, एक साल बाद ही उनको अवार्ड मिल गया था। फिर 2002 और 2002 शायद आगे भी मिलते रहे, वो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा आगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और जानकारी देने के लिए थम्स अप तो बनता ही है दोस्तों, जरूर लाइक करिए इसको। तो चलिए हम बात करते हैं जितेंद्र जी की। जितेंद्र जी ने का जो जन्म है गाइस, वो 7 अप्रैल 1942 को 42 को हुआ था। जी हाँ, 7 अप्रैल 1942 को उनका जन्म हुआ था। अब वो गाइस 81 इयर्स के हो चुके हैं, अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन उन्होंने गाइस जो है अपना फिल्मी कैरियर 1964 में एज ए हीरो शुरू किया था। उससे पहले भी एक दो फिल्मों में वो छोटे छोटे रोल किए, लेकिन एज ए हीरो गीत गाया पत्थरों ने। जी हाँ, गीत गाया पत्थरों में फिल्म में से उन्होंने एज ए हीरो अपनी शुरुआत की थी। उनके साथ थी हीरोइन राजश्री। गाइस, गीत गाया पत्थरों में फिल्म आने से पहले वो अपने असल नाम रवि कपूर के नाम से ही फिल्मी दुनिया में काम कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म में उनका नया जन्म माना जाता है, क्योंकि 1964 में उन्होंने अपना फिल्मी नाम रख लिया था जितेंद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने 226 फिल्मों में काम किया है, इनमें 124 फिल्में सुपरहिट और हिट रही हैं, जबकि 102 फिल्में फ्लॉप कैटेगरी में शामिल हैं गाइस। चलिए, कैरियर लंबा है, काफ़ी फिल्मों में काम किया है। अब अगर बात करें उनकी फिल्मी हीरोइनों की, तो फिल्मी हीरोइनों की जब बात आती है, तो गाइस उन्होंने अपने से 6 वर्ष बड़ी माला सिन्हा जी के साथ भी काम किया है और 20-25 वर्ष छोटी जयप्रदा, श्रीदेवी, माधवी वगैरह साउथ की हीरोइनों के साथ भी हिंदी फिल्मों में काम किया है। गाइस,
बात चली है उनकी हिंदी फिल्मों की, तो इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है कि सभी फिल्मों के नाम तो नहीं मैं गिनवा सकता, बहुत लंबी हो जाएगी, फहरिस्त बड़ी लंबी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने शुरुआत की थी 1964 में गीत गया पत्थरों से, उसके बाद गूंज उठी शहनाई, और उनकी बहुत सारी ऐसी चर्चित फिल्में आई हैं। गाइस कारवां फिल्म में उन्होंने आशा पारख जी के साथ काम किया था, जिसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, कितना प्यारा वादा है इन मतवादी आंखों का, इतना प्यारा वादा है इन मतवादी आंखों का, इन मस्ती में झूमे मेरे बहार मेरे प्यार। चलो खैर, मैं गाना तो नहीं पूरा गाऊंगा, मैं बता रहा हूं कि कारवां में, प्यार के रास्ते और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने आशा पारख जी के साथ काम भी किया है, उनके बहुत सारे हिट गाने हैं। जितेंद्र जी डांसिंग हीरो थे, यानी शम्मी कपूर जी के बाद डांसिंग हीरो जी कोई बॉलीवुड में था तो वो जितेंद्र जी थे। वो वाइट कपड़ों और वाइट जूते में ही ज़्यादा खुद को पेश करते थे, तो ऐसे में उनके साथ वाइट कपड़ों की भी एक दंत कथा जुड़ी हुई है। गाइस इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम बात कर लेते हैं उनकी हीरोइनों की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने, जितेंद्र जी ने राजश्री जी के साथ एज ए हीरो फिल्मों में आगाज किया था, तो उसके बाद उन्होंने मुमताज जी के साथ काम किया है, और उन्होंने माला सिन्हा जी के साथ काम किया है, नंदा, शर्मिला टैगोर, आशा पारख जी का मैं जिक्र कर ही चुका हूँ, बबीता जी के साथ काम किया है, हेमा मालिनी जी के साथ काम किया है, मौसमी चटर्जी के साथ काम किया है, रीना राय, जयप्रदा, श्रीदेवी, रेखा जी और प्रवीण बॉबी, नीतू सिंह, शबाना आजमी, पद्मना कोल्हापुरी के अलावा भानुप्रिया, माधवी, अनीता राज, संगीता बिजलानी तथा सायरा बानन जी के साथ भी काम किया हुआ है। गाइस उन्होंने दिलीप कुमार जी की वाइफ सायरा बानन जी के साथ भी काम किया हुआ है। तो गाइस बहुत सारी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया, जिनमें मुमताज होए, चाहे रीना राय जी होए, चाहे कोई भी होए, ऐसी हीरोइन जो नई हीरोइन होती थी तो गाइस उन पर थोड़े से ये इल्ज़ाम लगते थे कि वो हीरोइनों के साथ फ्लर्ट करते हैं। एक्चुअल में गाइस मैं जब उन दिनों बहुत सारे दोस्तों पत्रकारों से बात की, दर्द कथाओं को चलाने वालों के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र जी हंसमुख मिजाज के थे और महिलाओं के साथ ज़्यादातर वो चुटकुले छेड़छाड़ की भाषा में बात करते थे, मुस्कुराते थे, खिलखिला कर हंसते थे, बात करते थे, तो उन पर ये इल्ज़ाम लग जाता था कि वो फ्लर्ट करते हैं, वो प्रेम का जाल बिछा रहे हैं और फ्लर्ट कर रहे हैं। और कई बार तो गाइस जो पीली पत्रकारी वाले हैं उन्होंने तो उनकी बहुत सारी गलत बातें भी छापी हैं कि वो हीरोइनों को होटलों में ले जाते थे तभी उनको काम दिलवाते थे ये वो, लेकिन मैंने ये सारी बातें जानी हैं गाइस, ये सब झूठ है, बकवास है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पीली पत्रकारी को प्रमोट नहीं करता, मैं हकीकत और सच्चाई ही बयान करता हूँ। जितेंद्र जी हंसमुख थे हैं, क्योंकि मैं भी जब मिला था तो वो बहुत मजाक करते थे, वो उस समय 55 वर्ष के थे, तो मैं तो गाइस उन दिनों 30 35 40 से कम ही था, तो वो भी मेरे साथ मजाक वगैरह कर लेते थे, और पंजाबी होने के नाते पंजाबी में भी बहुत बड़ी बात करते थे। अब गाइस बात करते हैं जितेंद्र जी की शादी हेमा मालिनी जी के साथ होते होते रहने की। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने, हेमा मालिनी जी का धर्मेंद्र के साथ काफ़ी रोमांस रहा, वो तो सभी जानते हैं, और रोमांस जो है वो निभा भी, और अब तक वो जो है रिश्ता बहुत ही प्यारा और खूबसूरत परंपरा चला आ रहा है। लेकिन गाइस एक समय ऐसा आ गया था कि हेमा मालिनी जी की जो माता है जया मुखर्जी, वो नहीं चाहती थी कि धर्मेंद्र जी के साथ
हेमा मालिनी की शादी हो, क्योंकि धर्मेंद्र जी ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके तब चार बच्चे भी थे, नहीं मतलब अब भी हैं, मतलब उस समय छोटे थे, अब जो है बड़े हो गए हैं, बच्चे भी बच्चों वाले हो गए हैं गाइस, क्योंकि समय बहुत बदल गया। लेकिन जबकि ये बात है तब जितेंद्र जी की अभी शादी नहीं हुई थी, गिरीश कर्नाड थे एक साउथ के हीरो, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो जय मुख जो है उनकी माता जो है हेमा जी की, वो पहली उनकी पसंद थी गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जी धर्मेंद्र से डर कर पीछे हट गए थे, लेकिन जितेंद्र ने जो है शादी के लिए हाँ कर दी। और गाइस एक समय आ गया कि चेन्नई में हेमा और जितेंद्र जी की शादी का समारोह जो है मुकर्रर हो गया। तो जितेंद्र जी चाहते थे कि मंगनी के साथ ही शादी भी झटपट हो जाए, कोई उसमें रुकावट ना हो, वो हेमा मालिनी जी के साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। लेकिन गाइस उन्हीं दिनों वो शोभा जी के साथ भी डेटिंग कर रहे थे, क्योंकि शोभा जी उनकी बचपन की मित्र थी। जब चेन्नई में जितेंद्र जी का परिवार और हेमा मालिनी जी का परिवार उन दोनों की शादी कराने के लिए एकत्र हो गया, तो ये बात मुंबई में धर्मेंद्र जी को पता चल गई। तो धर्मेंद्र जी शोभा जी को साथ लेकर चेन्नई पहुंच गए, और धर्मेंद्र जी ने दो तीन पैग भी लगा रखे थे दोस्तों उस समय। और उस समय हेमा जी की माता चाहती थी कि धर्मेंद्र चला जाए और हेमा मालिनी जी की शादी जो है वो जितेंद्र से हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र अड़े रहे और शोभा जी को देखकर जितेंद्र भी दो कदम पीछे हो गए। तो उन्होंने अड़ गए कि मैं हेमा से बात किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। जब धर्मेंद्र जी की हेमा मालिनी से बात कराई गई तो बात के बाद वो भी भावुक हो गई। गाइस सुनने में आया है, क्योंकि ना तो मैं वहां था ना मैं गवाह हूँ, और ये जो बातें हैं वह BBC TV रेडियो की भी है और अखबारों में भी उन दिनों छाया हो चुकी है। तो गाइस मैं उसी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि तब हेमा जी जो है उन्होंने इनकार कर दिया शादी से, और उन्होंने फिर बाद में धर्मेंद्र जी से शादी रचा ली, और जितेंद्र जी ने शोभा के साथ शादी रचा ली, जो बाद में शोभा कपूर जी बने। और अब भी गाइस उनका परिवार जो है शोभा कपूर जी के साथ जितेंद्र जी का बहुत बढ़िया चल रहा है। उनका बेटा है तुषार कपूर, उनकी बेटी है एकता कपूर, सभी जानते हैं। तुषार कपूर भी हीरो बन चुका है, बहुत सारी हिंदी फिल्मों में आ चुका है, और गाइस उनकी जो एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें उनको मतलब बेजुबान बताया, गा का का गा 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 वाला बहुत मशहूर हुआ उनका वो किरदार। और अब बात ये अगर करें एकता कपूर जी की, तो एकता कपूर को तो कौन नहीं जानता गाइस, वो तो TV की क्वीन है। TV के बहुत सारे सीरियल जो है उनके ही द्वारा निर्मित किए हुए हैं, जो कई साल चलते रहे, बहुत सारे चैनलों पर अब भी चल रहे हैं। और उनके वो जो पारिवारिक सीरियल थे उनको महिलाएं बहुत दीवानी हैं, तो एकता कपूर जी को भी सभी जानते हैं दोस्तों। तो जितेंद्र जी का परिवार जो है वो है तो एक पुत्र एक पुत्री, और शोभा कपूर जी भी गाइस जब जितेंद्र जी फिल्में भी बनाते थे तब वो उनकी फिल्मों की कहानियाँ लिखती थी, कथा पटकथा लिखती थी। अब वो बेटी के साथ सीरियलों में भी कहानियों का आइडियाज़ देते हैं, पटकथाएँ भी लिखती हैं, और वो सरगर्म हैं गाइस अब बिटिया के साथ भी। गाइस एकता कपूर जी की झलक देखने के बाद अब आप देखिए जितेंद्र जी की लाइफ की जर्नी शुरुआत से लेकर अब तक की, उनकी कुछ तस्वीरों की कलेक्शन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाइस जितेंद्र जी की फिल्मों के बारे में और जितेंद्र जी की हिरणों के बारे में बताया है, लाइक तो बनता है गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस मैं देख रहा हूँ कि आप देखते बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नई वीडियो को आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलती है और आपको हमारी नई वीडियो जो है वो उसकी तुरंत सूचना मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों देखो अब जितेंद्र जी की जर्नी।
गाइस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि मुझे सोशल मीडिया दोस्तों से अमिताभ जी की, रेखा जी की, जया जी की कुछ पिक्चरें बरामद हुई हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी। अगर देखी भी होगी तो ज़रूर जो दोबारा देखिए, आपकी मेमोरी जो है वो रिवाइंड हो जाएगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं गाइस रेखा जी की अमिताभ बच्चन व जया भादुड़ी के साथ एक्सक्लूसिव फोटोज़ की। देखना दोस्तों इन फोटोज़ को और बताना कि मैंने रेखा जी व अमित जी वाली वीडियोस में जो बात कही थी वो सही थी ना। कमेंट करके ज़रूर बताना। फोटोज़ देखिए। फोटोज़ देखने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें गाइस वीडियोस को, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये पहुंच जाए। तो देखिए गाइस रेखा जी, अमिताभ बच्चन, जया जी की फोटोज। अच्छा तो दोस्तों इस वीडियो का आप यहीं समाप्त करते हैं। बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें अगर कोई चीज़ की कमी रहेगी हो तो वो भी कमेंट में बताना। कुछ गलत तो नहीं मैंने कहा, मैंने काफ़ी कुछ स्टडी करके ही गाइस आपको इस वीडियो में बताया है। अगर कुछ भी फिर भी रह गया हो तो आप ज़रूर बताना और मुझको भी अपडेट करना, क्योंकि बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए। तो मैं यहाँ पर आपको एक जो अपना आर्टिकल दे रहा हूँ वो दूसरा आर्टिकल दे रहा हूँ जिसमें उनको जो है अवार्ड मिल चुके थे। तो दोस्तों सॉरी, उनको जो अवार्ड मिले थे वो बताना रह गया। अब ख़त्म करने से पहले प्लीज़ वो एक दो लाइनें जरूर सुन लो। खैर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं जितेंद्र जी से 1997 में मिला था, तब उनको 55 साल की उम्र तक 226 फिल्में करने के अलावा बाद भी कोई अवार्ड नहीं मिला था। लेकिन गाइज 1998 में उनको उजाला फिल्म्स की ओर से गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला। फिर 2000 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। 2002 में फिल्म फेयर और जी गोल्ड के एक ही वर्ष में दो अवार्ड मिले दोस्तों। और 2004 में दोस्तों उनको यूएसए में लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा का अवार्ड मिला। तो गाइस जस्ट नहीं कहिए, चाहे मेरा हेडिंग कहिए, तो उसके बाद उनको काफ़ी अवार्ड मिले 1998 से लेकर 2004 तक। चलो अब हम इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो गाइस एक गाना आपके साथ शेयर करूंगा। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। गाइस तिनके का सहारा होता है डूबने वालों को। आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारे किनारे हैं। आपको अगली वीडियो जो है वो लाने से पहले इसको तो समाप्त करना ही पड़ेगा, इजाज़त आपसे लेनी ही पड़ेगी। तो अगली वीडियो में गाइस हम बात करेंगे आशा पारख जी की, और आशा पारख जी की फिल्मी कैरियर की अपनी यादों को करूँगा साझा। और गाइस 2 साल पहले उन्होंने एक अपनी मौजूदा फिल्म फ़ोटो मुझे भेजी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अगली वीडियो का करिए इंतज़ार। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। सत श्री अकाल, नमस्कार, चढ़ती कला रहो दोस्तों, बाय।